वेलकम टू अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ऑपरेशन रिसर्च का ही नेक्स्ट पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने लैग्रांज मेथड की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की थी। आज के लेक्चर में भी हम लैग्रांज मेथड भी करेंगे और कुन-टोकर मेथड करेंगे। लैग्रांज मेथड की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या थी हमारे पास? एल का एक्स आई के लिए डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स हम यहाँ से लैग्रांज मल्टीप्लायर एक इक्वेशन बनाएंगे एल एक्स कोमा लेमडा। हम एल की फॉर्म में एक इक्वेशन बनाएंगे जो कि एक्स और लेमडा पे डिपेंड करेगी। एक्स का मीन्स वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, लेमडा का मीन्स लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री, जहाँ पर लेमडा कॉन्स्टेंट होगा, लैग्रांज कॉन्स्टेंट होगा। तो एल का एक्स आई के लिए डेरिवेटिव करेंगे इक्वल जीरो, एल का लेमडा के लिए डेरिवेटिव इक्वल जीरो। देन ये तो कहलाएगी नेसेसरी कंडीशन। यहाँ से कैलकुलेशन करके हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने x1, x2, x3 को सॉल्व किया था, वो कहलाती है सफिशिएंट कंडीशन। इसके अलावा हमने हैशियन मैट्रिक्स भी बनाई थी, लेकिन वो किसके लिए थी हैशियन मैट्रिक्स? अगर सिंगल कंस्ट्रेंट आ जाती है तो। लेकिन अगर हमारे पास आज के टॉपिक में हमारे पास क्या होगा कि अगर कंस्ट्रेंट एक से ज़्यादा है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन विद मोर देन वन इक्वलिटी कंस्ट्रेंट। अगर कंस्ट्रेंट एक से ज़्यादा है उस कंडीशन में कैलकुलेशन सिमिलर होगी जो हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि हमें एल कैलकुलेट करना होगा। एल किसके इक्वल था? फंक्शन एफ एक्स माइनस लेमडा वन जी वन एक्स माइनस लेमडा टू जी टू एक्स एंड सो ऑन। अगर एक ही कंस्टेंट है तो लेमडा जी एक्स, एक से ज्यादा है तो हमने किया था लेमडा वन जी वन एक्स लेमडा टू जी टू एक्स एंड सो ऑन। नेसेसरी कंडीशन में तो एल का एक्स आई के लिए डेरिवेटिव, एल का लेमडा के लिए डेरिवेटिव इक्वल जीरो। सफिशिएंट कंडीशन में उन इक्वेशन को नेसेसरी कंडीशन से जो इक्वेशन आती है उन इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल फाइंड करेंगे, वो कहलाती है सफिशिएंट कंडीशन। बाय हैशियन मैट्रिक्स सफिशिएंट कंडीशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। उसके लिए देखो, अगर हमारे पास ये दो पॉइंट बनाए हुए हैं, इफ स्टार्टिंग विद प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर एम प्लस वन द लास्ट एन माइनस एम प्रिंसिपल माइनर फ्रॉम एन अल्टरनेटिंग साइन पैटर्न स्टार्टिंग विद माइनस वन रेस्ट पावर एम प्लस एन। हमने लास्ट वीडियो में जो किया था उसमें ये किया था कि हमारा जो हैशियन मैट्रिक्स है उससे जो सॉल्यूशन आता है वो अल्टरनेट आता रहे, देन जो फंक्शन था वो मैक्सिमम होगा अल्टरनेट के लिए। और अगर साइन हमारे पास लेस देन की फॉर्म में आता रहे, एच वी का साइन लेस देन की फॉर्म में आता रहे, देन जो फंक्शन होगा वो मिनिमम होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर है कि अगर हमारा साइन अल्टरनेट पैटर्न की फॉर्म में आ रहा है देन जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, अब अल्टरनेट में यहाँ पर एक वर्ड लिखा है स्टार्टिंग विद माइनस वन रेस्ट पावर एम प्लस एन। एम और एन क्या होते हैं? यहाँ देखो मैंने ये लिखा हुआ है एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी हमारे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जितने वेरिएबल है, एम नंबर ऑफ कंस्टेंट, एम प्लस एन करेंगे माइनस वन रेस्ट पावर करेंगे। ये साइन हमारा जो एच पी का जो ये अल्टरनेट साइन है ये स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? माइनस वन रेस्ट पावर एम प्लस वन एन से। एम प्लस एन अगर टू है तो हमारा साइन पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अगर एम प्लस एन की वैल्यू ओड आ रही है तो स्टार्टिंग हमारी नेगेटिव से होनी चाहिए, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, देन जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और अगर साइन लेस देन इक्वल की फॉर्म में जा रहे हैं, अब लेस देन इक्वल या ग्रेटर, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था कि लेस देन इक्वल की फॉर्म में जा रहे हैं। अब अगर हमारे पास माइनस वन रेस्ट पावर एम है, एम डिपेंड करेगा इवन या ओड, तो हमारा जो साइन है वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मान लो ये पॉजिटिव आ रहा है, इवन आ रहा है, एम की वैल्यू इवन आ रही है तो ये पॉजिटिव आएगा, माइनस वन रेस्ट पावर टू यानी प्लस वन आएगा, इट मीन्स पॉजिटिव होगा। तो हर एक वैल्यू पॉजिटिव, एच वी की हर एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है? एच वी का मीन्स जो हमने डेल्टा थ्री डेल्टा फोर कैलकुलेट किया था वही एच वी है। तो अगर ये m ओड है तो माइनस वन रेस्ट पावर ओड यानी माइनस वन आएगा, माइनस वन का मीन्स लेस देन हो जाएगा। तो हर एक वैल्यू एच पी की लेस देन में होनी चाहिए, देन गिवन फंक्शन मिनिमम होगा। ओके, आगे समझे, सेम मेथड है, सेम कैलकुलेशन होगी, लेकिन एच पी हम चेंज करेंगे। चेंज भी क्या करेंगे? सिर्फ दो कॉन्स्टेंट है तो उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द एन एल पी पी मीन्स नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर z इज इक्वल टू, यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम शो नहीं किया हुआ, 4x1 square plus 2x2 square plus x3 square minus 4x1 x2 such that, यानी दो कंस्टेंट है जो इक्वलिटी में है एंड तीनों वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल जीरो होने चाहिए।
अब एनएलपीपी को सॉल्व करना है तो हमें एक लैग्रांज फंक्शन बनाना पड़ेगा। लैग्रांज फंक्शन के लिए जो हमारे पास फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो उसे हमने एफ एक्स ले लिया, एफ एक्स इजिकल टू 4x1² प्लस 2x2² प्लस x3² माइनस 4x1x2 सच दैट में जो कंडीशन होती है उसे हम g1x और g2x लेंगे। तो लेट g1x इजिकल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 15 इजिकल टू 0 एंड g2x हमने क्या ले लिया 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 माइनस 20 इजिकल टू 0। तो लैग्रांज फंक्शन क्या होगा देन एल एक्स कॉमा लेमडा या हम एल भी लिख सकते हैं, ये किसकी बोलते हैं फंक्शन एफ एक्स माइनस लेमडा 1 g1x, ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ ना, तो माइनस लेमडा 2 g2x। तो एल एक्स कॉमा लेमडा इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह हम लिखेंगे 4x1² प्लस 2x2² प्लस x3² माइनस 4x1x2 माइनस लेमडा 1 g1x मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 15 माइनस लेमडा 2 g2x मीन्स 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 माइनस 20। अब निसेसरी कंडीशन फाइंड करनी है सबसे पहले हमें, तो निसेसरी कंडीशन क्या होगी, निसेसरी कंडीशन L का वेरिएबल्स के लिए डेरिवेटिव इक्वल 0 और लैम्डा के लिए डेरिवेटिव इक्वल 0। तो L अपॉन x1 इज इक्वल टू 0, L का x2 के लिए डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, L का x3 के लिए डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, L का लैम्डा के लिए लैम्डा 1 के लिए डेरिवेटिव इक्वल 0 एंड L का लैम्डा 2 के लिए डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ओके, ये निसेसरी कंडीशन है। अब देखो L का यानी लैग्रांज फंक्शन का x1 के लिए डेरिवेटिव, अगर हम x1 के लिए डेरिवेटिव करें तो 4x1² मीन्स 8x1 x1 के लिए डेरिवेटिव किया, इसके अलावा माइनस 4x1 के लिए किया तो माइनस 4x2 माइनस लेमडा 1 माइनस 2 लेमडा 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हम x2 के लिए डेरिवेटिव करें तो ये हमारे पास आएगा 4x2 माइनस 4x1 माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 0। x3 के लिए डेरिवेटिव करेंगे तो ये सॉल्यूशन होगा हमारे पास 2x3 माइनस लेमडा 1 माइनस 2 लेमडा 2 इज इक्वल टू 0। लेमडा 1 के लिए डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस में x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से लेमडा 2 के लिए डेरिवेटिव किया तो ये सॉल्यूशन होगा हमारे पास माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये तो कहलाती है निसेसरी कंडीशन। सेम करेंगे हम, सेम मेथड कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, सिर्फ इसमें हेशियन मैट्रिक्स में कुछ चेंज होगा, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। अब देखो L का x1 x2 निसेसरी कंडीशन कंप्लीट। अगर हमें सफिशिएंट कंडीशन फाइंड करनी है तो यहाँ से वेरिएबल्स फाइंड करने होंगे यानी x1 x2 x3 लैम्डा 1 लैम्डा 2। किस तरह से फाइंड करेंगे, अब सफिशिएंट कंडीशन फाइंड करनी है तो सफिशिएंट कंडीशन क्या करेंगे, वेरिएबल्स फाइंड करने हैं हम, इन्हें इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इन पांचों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे भी आपको सॉल्व करना हो आप कर सकते हो। मैं यहां पर क्या कर रही हूं, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन में है क्या हमारे पास, फोर्थ इक्वेशन में x1 2x1 x2 x2 x3 2x3। अगर हम फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिफ्थ के साथ सॉल्व किया तो देखो 2x1 फिफ्थ के साथ सॉल्व करने का मीन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2x1 माइनस 2x1 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये x2 यानी 3x2। इसी तरह से ये हमारे पास हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 30 सब्ट्रैक्ट करना तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 20 माइनस 30 प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x2 हमारे पास क्या हो जाएगा 10/3, x2 की वैल्यू आ गई। अब x2 की वैल्यू को हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर देते हैं और सेकंड में भी पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x2 की वैल्यू 10/3 हम फर्स्ट में भी पुट कर देंगे सेकंड में भी, तो 8x1 माइनस 4x2 8x1 माइनस 4x2 तो 40/3। नेक्स्ट है हमारे पास
माइनस लेमडा वन माइनस टू लेमडा टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस लेमडा वन माइनस टू लेमडा टू इज इक्वल टू जीरो, ये तो हमने फर्स्ट में पुट कर दिया। सेकंड में अगर हम पुट करें x2 की वैल्यू, तो सेकंड इक्वेशन देख क्या है हमारे पास, 4x2 माइनस 4x1, 4x2 माइनस 4x1, तो 4x2 यानी 40 बाय 3, माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, तो यहाँ पर माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से अगर इसे सॉल्व करें तो देखो लेमडा 1 सेम आ रहा है, 40 बाय 3 सेम आ रहा है, लेकिन उससे दो अननोन वेरिएबल रह जाएंगे x1 और लेमडा 2। इसकी जगह अगर हम इस इक्वेशन को, यानी ये सेकंड इक्वेशन थे ना हमारे पास, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें टू से, तो फोर की जगह एट आ जाएगा, लेमडा टू में टू लेमडा टू आ जाएगा, सेम बन गया। टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस एट एक्स वन प्लस एट्टी बाय थ्री माइनस टू लेमडा वन प्लस टू लेमडा टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, इसे हम फिफ्थ इक्वेशन ले लेते हैं, इसे हम सिक्स इक्वेशन ले लेते हैं। तो फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन को ऐड कर दिया, एट एक्स वन से एट एक्स वन कट जाएगा, ऐड किया एट्टी बाय थ्री माइनस फोर्टी बाय थ्री, तो फोर्टी बाय थ्री ऐड किया तो माइनस टू लेमडा वन माइनस लेमडा वन माइनस थ्री लेमडा वन, टू लेमडा टू माइनस टू लेमडा टू इज इक्वल टू जीरो, ये देगा। तो हमारे पास नाइन लेमडा वन इज इक्वल टू फोर्टी, यानी लेमडा वन किसके इक्वल हुआ, फोर्टी बाय नाइन। लेमडा वन कैलकुलेट हो गया, एक्स टू कैलकुलेट हो गया, अब देखो और सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं हम। ये हमारे पास पांच इक्वेशन है, अगेन फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन देखो, अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करें तो लेमडा वन कैंसिल हो रहा है, लेमडा टू कैंसिल हो रहा है, यानी इक्वेशन एक्स वन और एक्स थ्री में आ जाएगी। तो फर्स्ट और थर्ड को लेमडा वन का सेम साइन है, लेमडा टू का सेम साइन है, तो हम फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगेन तो फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने पे देखो सॉल्यूशन क्या आएगा, लेमडा वन कैंसिल हो रहा है, लेमडा टू कैंसिल हो रहा है। ओके, हमारे पास एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री बच रहा है, एट एक्स वन माइनस फोर एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री, एट एक्स वन माइनस फोर एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो। हमने एक्स टू अभी कैलकुलेट किया था, एक्स टू हमारे पास क्या था, अभी हमने कैलकुलेट किया था टेन बाय थ्री, तो ये एट एक्स वन 4x2 यानी 40 बाय 3 माइनस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो। ऐसे हम लिख सकते हैं 8x1 माइनस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू 40 बाय 3। ओके, या इसे हम लिख सकते हैं 4x1 माइनस एक्स थ्री इज इक्वल टू 20 बाय 3, उसे डिवाइड कर दिया। ओके, इक्वेशन नंबर सेवन। अब x1 और x3 में इक्वेशन आ गई, x1 और x3 में इक्वेशन और कहाँ से आ सकती है ये चेक करते हैं। x2 की वैल्यू अगर हम फोर्थ में पुट करें तो भी x1 x3 में इक्वेशन आएगी, फिफ्थ में पुट करें तो भी x2 x1 x3 में इक्वेशन आएगी। हम x2 की वैल्यू को फोर्थ में पुट कर लेते हैं, तो देखो फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन हमारे पास क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 15 प्लस x3 इज इक्वल टू 15। अगर हम x2 की वैल्यू पुट करें तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10 बाई थ्री, तो एक्स वन प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू 45 माइनस 10 35 बाई थ्री। ये भी एक्स वन एक्स थ्री में है और सेवन्थ इक्वेशन भी एक्स वन एक्स थ्री में है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लें, सेवन्थ और एट्थ इक्वेशन को, सेवन्थ एंड एट्थ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं सेवन प्लस एट को, तो एक्स थ्री से एक्स थ्री कट जाएगा, फाइव एक्स वन इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया तो 20 35 यानी 55 बाय 3, तो x1 हमारे पास क्या जाएगा 11 बाय 3। ओके, अब अगर x1 कैलकुलेट हो गया तो x3 कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एट्थ इक्वेशन ले रहे हैं, क्या है x3 इज इक्वल टू 35 बाय 3 माइनस x1, x3 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 बाय 3, तो 35 बाय 3 माइनस 11 बाय 3, तो x3 किसके इक्वल होगा, 35 माइनस 11 24 बाय 3 मींस 8 के इक्वल। x1 x2 x3 तीनों कैलकुलेट हो गए हमारे पास, इसके अलावा लेमडा 1 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, लेमडा 2 रह गया। लेमडा 2 हम या तो फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में किसी में भी वैल्यू पुट करें तो लेमडा 3 लेमडा 2 आ जाएगा ना, हम थर्ड में वैल्यू पुट करें तो देखो 2x3 x3 हमारे पास 8 आया, तो 2 8 जा 16 माइनस लेमडा 1, लेमडा 1 40 बाय 9 था, इसको अलग से कर लेना मैं यही कर रही हूँ, माइनस टू लेमडा टू यानी इक्वल लेमडा टू, ये क्या आएगा 144
माइनस 40 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2। 144 माइनस 40 कितना रह जाएगा, 104 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2। 2 से डिवाइड किया तो 52 बाय 9 इज इक्वल टू लैम्डा 2। लैम्डा 1 लैम्डा 2 एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट। ओके, अब हमें मैक्सिमा और मिनिमा के लिए भी चेक करना है, उसके लिए हम हैशियन मैट्रिक्स बनाएंगे। नाउ हैशियन मैट्रिक्स, अब हैशियन मैट्रिक्स कैसे बनाते थे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी वैसे ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर दूँ, हमने जो हैशियन मैट्रिक्स बनाई थी यहाँ पर जीरो, यहाँ था हमारे पास जी का एक्स वन के लिए डेरिवेटिव, जी का एक्स वन के लिए डेरिवेटिव, इसी तरह एक्स टू एक्स थ्री आएगा वो बाद में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर था एफ का एक्स वन स्क्वेयर के लिए डेरिवेटिव माइनस लेमडा एफ का जी का एक्स वन स्क्वेयर के लिए डेरिवेटिव। ओके, जो यहाँ पर लिखा है वही नेक्स्ट हमारे पास, देखो यहाँ पर था हमारे पास जी का एक्स टू के लिए डेरिवेटिव और यहाँ पर भी जी का एक्स टू के लिए डेरिवेटिव। नेक्स्ट यहाँ पर एक्स वन स्क्वेयर है तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या था, एफ का एक्स वन एक्स टू के लिए डेरिवेटिव माइनस लेमडा जी का एक्स वन एक्स टू के लिए डेरिवेटिव। जो यहाँ लिखा है वही हम यहाँ लिखेंगे, एफ का एक्स वन एक्स टू उसकी जगह हमने लिखा था टू वन के लिए डेरिवेटिव माइनस लेमडा जी का टू वन के लिए डेरिवेटिव, एक्स टू एक्स वन के लिए डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था जी का एक्स थ्री के लिए डेरिवेटिव, जो यहाँ होगा वही हमारे पास कॉलम में होगा यानी जी का एक्स थ्री के लिए डेरिवेटिव। नेक्स्ट हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, एफ का एक्स वन स्क्वायर के लिए था तो यहाँ पर क्या देगा, फंक्शन का एक्स टू के लिए सेकेंड डेरिवेटिव माइनस लेमडा फंक्शन का एक्स टू के लिए सेकेंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या देगी, यहाँ देखो यहाँ एफ का पहले वन के लिए डबल डेरिवेटिव फिर वन और टू के लिए, यहाँ पर क्या देगा वन और थ्री के लिए डेरिवेटिव माइनस लेमडा वन और थ्री के लिए डेरिवेटिव। ओके, जो वैल्यू यहाँ आएगी वही हमारे पास कॉलम में आ जाएगी, तो एफ का वन थ्री के लिए डेरिवेटिव माइनस लेमडा जी का वन थ्री के लिए डेरिवेटिव, वन और थ्री के लिए डेरिवेटिव, इसे हम थ्री वन लिखेंगे यहाँ पर, ये थ्री और वन। ओके, आगे समझ में, इसी तरह से इसकी नेक्स्ट वैल्यू चलती रहेंगी और यहाँ पर भी इस तरह से इसकी नेक्स्ट वैल्यू आती रहेंगी। अब यहाँ पर क्या था हमारे पास टू स्केयर, तो टू वन टू टू सेम, यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ आएगी वही वैल्यू यहाँ आएगी। ये हमने हैशियन मैट्रिक्स बनाई थी लेकिन ये सिंगल कंस्टेंट के लिए थी, ओनली जी के लिए। अब हमें डबल कंस्टेंट के लिए बनानी है तो उसमें चेंज क्या होगा, मैट्रिक्स सिमिलर आएगी लेकिन चेंज थोड़ा सा चेंज होगा, वो चेंज क्या होगा ये देखो, हमने क्या लिखा था सबसे पहले जीरो जी का एक्स वन, अब हमारे पास कंस्टेंट एक से ज़्यादा है, जी वन और जी टू दो कंस्टेंट है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जीरो 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 एंड जीरो इस तरह से। ये हमारे पास इस तरह से इसे डॉट डॉट कर देना, मैंने लाइन लगाई है। अब बाकी चेंज क्या होगा हमारे पास, देखो ये तो एज इट इज रहेगा जो हमने यहाँ पर लिखा है, चेंज क्या होगा, फर्स्ट जीरो का मीन्स क्या है कि हमारे पास फर्स्ट कंस्टेंट है, जी वन का एक्स वन के लिए डेरिवेटिव, जी वन का एक्स टू के लिए डेरिवेटिव, जी वन का एक्स थ्री के लिए डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट कंस्टेंट का एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के लिए डेरिवेटिव। सेम हम कॉलम में लिखेंगे जी वन का एक्स वन के लिए एक्स टू के लिए और एक्स थ्री के लिए डेरिवेटिव। इसी तरह इस जीरो के लिए हमारे पास सेकेंड कंस्टेंट आ जाएगी, टू का एक्स वन के लिए टू का एक्स टू के लिए एंड जी टू का एक्स थ्री के लिए डेरिवेटिव। सेम यहाँ पर आ जाएगा जी टू का एक्स वन के लिए डेरिवेटिव, जी टू का एक्स टू के लिए डेरिवेटिव एंड जी टू का एक्स थ्री के लिए डेरिवेटिव। यहाँ पर चेंज क्या हुआ, यहाँ पर हम लिखेंगे अब फंक्शन तो एफ है, एफ में अब यहाँ पर हमारे पास क्या था फंक्शन का एक्स वन एक्स टू के लिए जी फंक्शन, अब ऐसा तो नहीं जी और जी वन और जी टू एक साथ लिख दें, तो इसके लिए हम जी वन और जी टू लिखेंगे तो एक साथ, लेकिन यहाँ पर हम चेंज क्या कर देंगे, हमारे पास क्या था डेल स्केयर एफ का एक्स वन एक्स टू के लिए डेरिवेटिव, तो हम एफ जी वन जी टू को एक साथ हमने क्या बनाया था लैग्रांज फंक्शन में, हमने एफ जी वन जी टू को इकट्ठा कर दिया था ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा एल का एक्स वन स्क्वेयर के लिए डेरिवेटिव, ओके, या एक्स वन के लिए डेरिवेटिव। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एल का एक्स वन एक्स टू के लिए डेरिवेटिव, एल का एक्स वन एक्स थ्री के लिए डेरिवेटिव। ओके,
सेम यहाँ पर एल का, अब यहाँ पर 1 2, तो हम यहाँ पर 2 1 लिखेंगे, ओके 2 1 के लिए डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्या देगा, एल का 2 स्केयर के लिए डेरिवेटिव, एल का 2 3 के लिए डेरिवेटिव, ओके 2 1 2 2 2 3 के लिए डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अब देखो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, नेक्स्ट क्या देगा 3 1, तो 3 और 1 के लिए डेरिवेटिव, एल का 3 और 2 के लिए डेरिवेटिव, एल का 3 और 3 के लिए डेरिवेटिव। ये हैशियन मैट्रिक्स कहलाती है अगर एक से ज़्यादा कंस्टेंट है उसके लिए। तो हम हैशियन मैट्रिक्स एच बी अब बनाएंगे, मैक्सिमम मिनिमा तो भी पता चलेगा ना, तो एच बी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, जी वन का एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के लिए डेरिवेटिव, तो जी वन हमारे पास क्या था, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, ये जी वन था हमारे पास, तो इसका एक्स वन के लिए डेरिवेटिव 1, एक्स टू के लिए डेरिवेटिव 1, एक्स थ्री के लिए डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पर हमारे पास 1 1 1, और जो रो में आएगा वही कॉलम में लिखेंगे 1 1 1। इसी तरह सेकेंड रो में क्या था, जी टू का एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के लिए डेरिवेटिव, जी टू दिस एक्स वन के लिए डेरिवेटिव 2, एक्स टू के लिए -1, एक्स थ्री के लिए 2 2 -1 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास 2 -1 2 2 -1 2, ओके। नेक्स्ट लैग्रांज फंक्शन का एक्स वन के लिए डबल डेरिवेटिव, तो लैग्रांज फंक्शन का, ये लैग्रांज फंक्शन है, एक्स वन के लिए डबल डेरिवेटिव, तो 8x1 8, इसके अलावा देखो कहीं पर भी स्क्वेयर नहीं है, तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पर 8, 1 के लिए डबल, फिर 1 और 2 के लिए डेरिवेटिव था, 1 और 2 है हमारे पास ये वैल्यू, 2 के लिए डेरिवेटिव किया था 4x1 माइनस में, फिर 1 के लिए किया तो -4, तो 1 2 के लिए डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा -4, जो यहाँ है वही यहाँ आएगा, 1 1 1 2, नेक्स्ट 1 3 के लिए डेरिवेटिव, लैग्रांज में 1 3 वेरिएबल एक साथ कहीं नहीं है, x1 और x2 3, इट मीन्स 1 और 3 के लिए डेरिवेटिव लैग्रांज में 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, ये हमारे पास 2 1 था, यहाँ पर 2 स्केयर के लिए डेरिवेटिव, x2 स्केयर, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो 4x2, सेकंड डेरिवेटिव किया तो 4, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4, 2 1 2 2 2 3, लैग्रांज में x2 x3 वेरिएबल एक साथ कहीं नहीं है, तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लैग्रांज फंक्शन का 3 स्केयर के लिए डेरिवेटिव, 3 स्केयर वैल्यू है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव 2x3, सेकंड डेरिवेटिव 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ओके आगे समझ। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे, ये देखो ये दोनों तो 0 है, तो सॉल्यूशन 0, फिर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा सॉल्व करेंगे, यानी रो और कॉलम को सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके, तो देखो यहाँ पर ये R3 और R4 रो है, यहाँ हम 0 बना सकते हैं, R3 माइनस R4 करें और R4 माइनस R5 करें, तो R3 में भी 0 हो जाएगा, R4 में भी 0 हो जाएगा, तो देखो सॉल्यूशन क्या आएगा, फर्स्ट रो सेम रहेगी 0 0 1 1 1, 0 0, ये था हमारे पास 2 माइनस 1 2 2 माइनस 1 2, R3 में से R4 को कट कर दिया तो 0, 2 प्लस 1 3, 8 और 4 12, -4 -4 -8 0, R4 में से R5 को कट किया तो 0, -1 -2 -4 +4 0 -2, R5 में कोई चेंज नहीं किया तो 1 2 0 आता है ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये 11th से आप करते आ रहे हो, देखो हमारे पास ये सारी 0 आ गई। अगर हम इस 1 के लिए सॉल्व करें तो 1 की रो और कॉलम को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 किस में आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये चाहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अगर हम इस पॉजिटिव 1 के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, एच बी इज इक्वल टू, सिर्फ हमारे पास ये 4x4 की मैट्रिक्स रह जाएगी, यानी सॉल्यूशन 0 1 1 1, 0 2 -1 2, 3 12 -8 0, एंड -3 -4 +4 -2, ठीक। फिर से देखो हमारे पास थर्ड रो में 0 आ रहा है, प्लस का 3 माइनस का 3, R3 प्लस R4 कर देते हैं तो एच पी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 1 1 1, 0 2 -1 2, R3 प्लस R4 किया तो 0 12 -4 8, -8 +4 तो -4, 0 -2 -2,
माइनस थ्री माइनस फोर प्लस फोर माइनस टू। माइनस थ्री के लिए सॉल्व कर लिया। अब देखो ये तीनों जीरो तो माइनस थ्री के लिए सॉल्व होगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस थ्री है नेगेटिव साइन आ रहा है तो प्लस थ्री। प्लस थ्री की रो और कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, वन वन वन, टू माइनस वन टू, एट माइनस फोर माइनस टू। डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में मैंने अपने शॉर्ट्स में बता रखा है, समझा रखा है, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। थ्री के थ्री, इस वन के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या रहा है, वन के लिए सॉल्व करने पे प्लस का टू प्लस का एट प्लस का टेन। माइनस वन के लिए अगर हम सॉल्व करें तो ये देखो माइनस फोर और माइनस सिक्सटीन, सिक्सटीन और फोर माइनस का ट्वेंटी। अगर हम नेक्स्ट वन के लिए सॉल्व करें तो ये आ रहा है माइनस एट प्लस एट जीरो। ओके इट मीन्स थ्री मल्टीप्लाई टेन और ट्वेंटी थर्टी, थर्टी को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो नाइन्टी। तो एच बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, एच बी इज इक्वल टू नाइन्टी। तो अगर एच बी नाइन्टी है तो सॉल्यूशन किस तरह से होगा, हमारे पास एच बी की वैल्यू आ गई, हमने ये सॉल्व कर लिया हैशियन मैट्रिक्स से। इफ स्टार्टिंग विद प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर एम प्लस एन, द लास्ट एन माइनस एम प्रिंसिपल माइनर ऑफ इज द फॉर्म ऑफ, यानी हमारी जो स्टार्टिंग है वो हम चेक करेंगे माइनस वन रेस्ट पावर एम प्लस एन। एम और एन क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट। एन क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कितने थे हमारे पास, थ्री। एम क्या होता है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट जो हमारे पास टू है। माइनस वन रेस टू पावर एम प्लस एन करें तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस वन रेस टू पावर फाइव यानी माइनस वन। लेकिन एच पी का जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, वो नाइन्टी है जो कि पॉजिटिव है, ये लेस देन आ रहा है तो ये तो ट्रू नहीं होगा। अगर हम माइनस वन रेस टू पावर अगेन, अगर हम माइनस वन रेस टू पावर एम करें, सेकेंड पार्ट यही था, इट मीन्स माइनस वन रेस टू पावर एम की वैल्यू टू है, वन पॉजिटिव है, एच बी भी हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो सेकेंड वाला होगा। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन अगर ये पॉजिटिव आ जाए, मतलब माइनस वन रेस टू पावर एम और एच बी का सेम साइन आ जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, मिनिमम हो जाएगा। अब इसमें जो वैल्यू आएगी वो देखो हमारे पास क्या आनी चाहिए, सेम साइन में आनी चाहिए, सेकंड में सेम साइन में, अगर मिनिमम है तो सेम साइन में वैल्यू आनी चाहिए ना। यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि फंक्शन हमारे पास मिनिमम होगा, क्योंकि माइनस वन एस टू पावर एम और एच बी का सेम साइन आ रहा है, तो जो फंक्शन होगा वो मिनिमम होगा। ओके और यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास फाइव इंटू फाइव के लिए सॉल्व किया, 4 इंटू फोर के लिए सॉल्व करें, 3 बाई 3 के लिए सॉल्व करें, तो हमारे पास सॉल्यूशन जो आएगा वो सेम सिंबल में ही आएगा, यानी एच पी अगर पॉजिटिव आ रहा है 5 बाई 5 के लिए तो 4 बाई 4 के लिए भी पॉजिटिव आएगा, 3 बाई 3 के लिए भी पॉजिटिव आएगा एंड सो ऑन। ओके आगे समझे, अब फंक्शन क्या होना चाहिए ये हमें पता करना था, तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, मिनिमम होगा। क्लियर, हमने लास्ट क्वेश्चन की तरह की ही किया है, इस एनएलपीपी को सॉल्व करना था तो सबसे पहले फंक्शन बनाया, गिवन जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था, कंस्ट्रेंट को जी वन एक्स जी टू एक्स में कन्वर्ट किया, लैग्रांज फंक्शन लिया, नेसेसरी कंडीशन एल का एक्स आई के लिए डेरिवेटिव और लैम्डा के लिए डेरिवेटिव को जीरो, नेसेसरी कंडीशन, इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सफिशियंट कंडीशन आ जाएगी, यानी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। ओके अब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है, उसके लिए हम हैशियन मैट्रिक्स बनाएंगे। हैशियन मैट्रिक्स सिंगल वेरिएबल के लिए मैंने आपको ये बताई थी इस तरह से। ओके इसे भी हम एल में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिंगल कंस्ट्रेंट है तो एल ना लगाकर हमने इस तरह से लिख दिया। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट है तो हम हैशियन मैट्रिक्स को इस तरह से लिख सकते हैं। ओके आसान सा मेथड है, फर्स्ट रो में जी वन का वेरिएबल्स के लिए डेरिवेटिव सेम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो में जी टू का एक्स टू के लिए वेरिएबल्स के लिए डेरिवेटिव सेम कॉलम, नेक्स्ट हमारे पास लैग्रांज फंक्शन का एक्स वन वन के लिए डेरिवेटिव, वन टू के लिए डेरिवेटिव, वन थ्री के लिए, टू वन के लिए टू 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 थ्री एंड थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री के लिए डेरिवेटिव। वैल्यू पुट की सॉल्व किया, अब एच बी का साइन पॉजिटिव आ रहा है तो उसके लिए हम चेक करेंगे, हमारे पास दो पॉइंट थे, एक तो माइनस वन रेस्ट पावर एम प्लस एन और दूसरा माइनस वन रेस्ट पावर एम। एच बी अगर पॉजिटिव आया तो इन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव आएगा कोई एक नेगेटिव आएगा, तो जो पॉजिटिव आ रहा है वो हमारे पास, चाहे वो हमारे पास ये सॉल्यूशन पॉजिटिव आया या ये, जैसे इस क्वेश्चन में माइनस वन रेस्ट पावर एम पॉजिटिव आया तो फंक्शन मिनिमम हो गया,
अगर ये पॉजिटिव आ जाता और एच भी पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होता, मैक्सिमम होता। ओके आगे समझ। नेक्स्ट लैग्रांज मेथड हो गया। सेकंड मेथड है कुन-टुक्कर कंडीशन या कुन-टुक्कर मेथड भी कह सकते हैं इसे, कुन-टुक्कर मेथड या कुन-टुक्कर कंडीशन, ये भी इसी टाइप की है। कुछ चेंज होगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये क्वेश्चन हमें गिवन होगा। अब इस क्वेश्चन में एक चाहिए द डिसोसिएशन सफिशिएंट कंडीशन व्हेन द गिवन कंस्टेंट आर इन द टर्म इन द आर द टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट, ये मैक्सिमम हो सकता है मिनिमम हो सकता है। अगर ये मैक्सिमम है तो लेस देन इक्वल, अगर ये मिनिमम है तो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। कुन टुक्कर नेसेसरी कंडीशन जैसे हमने अभी की थी, हम नेसेसरी कंडीशन फाइंड करेंगे। नेसेसरी कंडीशन किस तरह से फाइंड करेंगे हम, गिवन द प्रॉब्लम मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, मान लिया हमने क्वेश्चन हमारे पास एफ एक्स की फॉर्म है यानी मैक्सिमम की फॉर्म है, मैक्सिमम ऑफ जेड होता है, हमने फंक्शन मान लिया, फंक्शन वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा यानी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री पर, सच दैट में कंडीशन हमारे पास क्या होगी जी आई एक्स, सच दैट एम नंबर ऑफ इनइक्वालिटी कंस्टेंट, अभी मैंने आपको बताया था एम क्या होता है नंबर ऑफ कंस्टेंट होता है, यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी में होगा, मैक्सिमम है तो लेस देन, मिनिमम है तो ग्रेटर देन, तो इनइक्वालिटी में कंस्टेंट होगी इंक्लूडिंग द नॉन एक्टिविटी कंस्टेंट। अब हमारे पास नॉन एक्टिविटी कंस्टेंट क्या होंगी, यानी हम क्या लिखते हैं एंड में जितने भी वेरिएबल है वो सारे पॉजिटिव होंगे, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो विच आर रिटर्न एज, अगर एक्स पॉजिटिव है तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। द नेसेसरी कंडीशन, अब नेसेसरी कंडीशन किसके लिए, मैक्सिमा के लिए क्या होगी एल का एक्स आई के लिए, हमने अभी नेसेसरी कंडीशन की थी ना सेम की थी, एल का एक्स आई के लिए डेरिवेटिव जीरो, लेकिन उसमें हमने लेमडा भी लिखा था, यहाँ पर सिर्फ एल का एक्स आई के लिए डेरिवेटिव, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के लिए डेरिवेटिव इक्वल जीरो। सेकेंड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है लेमडा आई जी आई एक्स माइनस पी आई। ओके लेमडा आई यानी अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंस्टेंट है तो लेमडा वन जी वन एक्स माइनस बी वन, लेमडा टू जी टू एक्स माइनस बी टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू जीरो, हमें सेकेंड ये इक्वेशन बनानी है क्वेश्चन के हिसाब से, हमें इक्वेशन बनानी होगी। थर्ड इक्वेशन अगर मैक्सिमम है तो यहाँ पर लेस देन, मिनिमम है तो यहाँ पर ग्रेटर देन होगा, जी आई एक्स इज लेस देन बी आई, ये है क्या जो हमें गिवन कंस्टेंट है वो एज इट इज लिख लेनी है। फॉर ऑल फोर्थ पॉइंट ऑल द लेमडाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो, जितने भी लेमडाई है वो पॉजिटिव होने चाहिए। ओके ये तो नेसेसरी कंडीशन है, अगर सारे के सारे लेमडाई पॉजिटिव नहीं है यानी लेमडाई मे बी नेगेटिव, अगर लेमडाई की कोई वैल्यू नेगेटिव है तो इन सफिशियंट कंडीशन, सफिशियंट कंडीशन में लेमडाई नेगेटिव, ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशियंट कंडीशन में लेमडाई नेगेटिव हो सकता है। क्लियर आगे समझ में। क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे कुन टुक्कर के, ये देखो डिटरमाइन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, हमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री फाइंड करना है मैक्सिमम ऑफ। अब यहाँ देखो डिटरमाइन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सो एज टू, हमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री फाइंड करने हैं जिसके लिए कि मैक्सिमम ऑफ जेड की वैल्यू माइनस एक्स वन स्क्वेयर माइनस एक्स टू स्क्वेयर माइनस एक्स थ्री स्क्वेयर प्लस फोर एक्स वन प्लस सिक्स एक्स टू, सच दैट में हमारे पास दो कॉन्स्टेंट है, अगर ये मैक्सिमम है तो लेस देन इक्वल में है एंड में एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल जीरो। ओके अब देखो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, सबसे पहले देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेसेसरी कंडीशन में एल का एक्स आई के लिए डेरिवेटिव, एल का मीन्स लैग्रांज फंक्शन, अब लैग्रांज फंक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स को हमने मान लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर माइनस एक्स टू स्क्वेयर माइनस एक्स थ्री स्क्वेयर प्लस फोर एक्स वन प्लस सिक्स एक्स टू, जी वन एक्स को हमने ले लिया एक्स वन प्लस एक्स टू, यहाँ देखो ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू को हमने सिंप्लेक्स मेथड में किया था कि अगर एक्स वन प्लस एक्स टू का एडिशन टू से लेस है, टू के इक्वल करने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी टू के इक्वल आएगा, अब ऐड क्या करेंगे उसके लिए देखो यहाँ पर एक्स लेमडा एस, ये जो नेसेसरी कंडीशन है उसमें एक्स लेमडा एस लिखा हुआ है, एस का मीन्स यहाँ पर क्या है कि हम जो एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड करेंगे वो एस की फॉर्म में करेंगे एस वन, इसी तरह से इन दोनों का जो एडिशन है टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू ये ट्वेल्व से लेस है, 12 के इक्वल करने के लिए हमें इसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा तो हमने एस टू ऐड कर दिया। ठीक है तो जी वन एक्स एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एस वन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इसी तरह से जी टू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, समझे ना हमने एस वन और एस टू ऐड किया, आप स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो जो लिखोगे सेम है लिखना,
इसी तरह से जी टू एक्स टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस एस टू माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। तो लैग्रांज फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, देन लैग्रांज फंक्शन इज इक्वल टू तो एक्स लैम्डा और एस इस तरह से लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, एफ एक्स माइनस लैम्डा वन जी वन एक्स माइनस लैम्डा टू जी टू एक्स। तो एल एक्स कॉमा लैम्डा इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स वन स्केयर माइनस एक्स टू स्केयर माइनस एक्स थ्री स्केयर प्लस फोर एक्स वन प्लस सिक्स एक्स टू। माइनस लेमडा वन जी वन एक्स की जगह एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एस वन माइनस टू, और माइनस लेमडा टू टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस एस टू माइनस ट्वेल्व। ठीक, ये लैग्रांज फंक्शन हो गया। अब इसकी कुंटुक्कर हमारा क्वेश्चन क्या कुंटुक्कर है, इसमें जो निससी कंडीशन होगी उसमें एल का ओनली एक्स आई के लिए डेरिवेटिव जीरो करना है, हमें लेमडा के लिए या एस के लिए नहीं करना, एल का यानी लैग्रांज फंक्शन का सिर्फ एक्स आई के लिए डेरिवेटिव। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट एल का एक्स आई के लिए डेरिवेटिव जीरो। अब वेरिएबल कितने हैं, तीन है, तो एल का एक्स वन के लिए डेरिवेटिव जीरो, एल का एक्स टू के लिए डेरिवेटिव जीरो और एल का एक्स थ्री के लिए डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। अगर हम एक्स वन के लिए डेरिवेटिव करें तो माइनस टू एक्स वन प्लस फोर माइनस लैम्डा वन माइनस टू लैम्डा टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स टू के लिए डेरिवेटिव किया तो माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स और माइनस लैम्डा वन माइनस थ्री लैम्डा टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स थ्री के लिए डेरिवेटिव किया तो यह आ जाएगा माइनस टू एक्स थ्री और इसके अलावा इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स थ्री तो जीरो हो गया, हमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री फाइंड करने थे ना। अब सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट केस है, अगर हम सेकंड केस बनाएं तो सेकंड केस हमारे पास क्या था, देखो लैम्डा आई जी आई एक्स माइनस बी आई, लैम्डा आई लैम्डा की दो वैल्यू है हमारे पास लैम्डा वन और लैम्डा टू, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है जी आई एक्स माइनस बी आई इज इक्वल टू जीरो। जी आई एक्स, जी वन एक्स हमारे पास क्या था एक्स वन प्लस एक्स टू, जी वन एक्स यही था ना हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू, माइनस बी आई इक्वल बी आई हमारे पास क्या था टू था, इक्वल लेस देन हो गया तो लेस देन में या ग्रेटर देन में तो माइनस टू इक्वल जीरो। जी टू एक्स हमारे पास क्या था टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू, लेस देन इक्वल में क्या था ट्वेल्व तो माइनस ट्वेल्व इक्वल जीरो, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट अगर हम लिखें तो थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारे पास, जो भी कंस्ट्रेंट गिवन है वो कंस्ट्रेंट एज इट इज लिखेंगे। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या थी हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू एंड टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू इज लेस देन इक्वल ट्वेल्व, एंड लास्ट पार्ट क्या था ओ लेमडाई जितने भी लेमडाई होंगे वो पॉजिटिव होने चाहिए। ओके, अब हमारा क्वेश्चन था कि हमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री फाइंड करना है, एक्स थ्री जीरो आ गया, एक्स वन और एक्स टू फाइंड करना है। इस तरह से फाइंड करेंगे कि ये चारों के चारों केस या ये कह लो कि ये चारों के चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, यानी जो भी एक्स वन एक्स टू की वैल्यू आएगी वो ए बी सी डी इन चारों पार्ट्स को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। अब किस तरह से फाइंड करने के, हमारे पास दो ऑप्शन है कि लैम्डा वन पॉजिटिव इक्वल जीरो हो सकता है, लैम्डा टू पॉजिटिव और जीरो के इक्वल हो सकता है। तो हम अलग अलग केस बना के इसे सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है कुंटुक करके हर क्वेश्चन को। तो फर्स्ट केस पे हम लैम्डा वन को भी जीरो ले लेंगे, लैम्डा टू को भी जीरो ले लेंगे। अगर लैम्डा वन और लैम्डा टू जीरो है तो ए पार्ट में देखो लैम्डा वन लैम्डा टू जीरो, तो एक्स वन की वैल्यू टू एक्स टू की वैल्यू थ्री आ रही है, देन ए पार्ट से एक्स वन की वैल्यू टू और एक्स टू की वैल्यू थ्री आ रही है। अब चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है, एक्स वन और एक्स टू यहाँ से बी पार्ट से अगर लैम्डा वन जीरो है तो एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, हमें गिवन है तो ये तो ट्रू है कंडीशन कि अगर हम लैम्डा वन लैम्डा टू को जीरो लें तो ये पॉसिबल है। लेकिन थर्ड केस देखो एक्स वन और एक्स टू, एक्स वन टू आया एक्स थ्री एक्स टू थ्री आया, टू और थ्री फाइव, फाइव इज लेस देन टू, ये गलत हो गया ना हमारे पास। एक्स वन टू आया एक्स टू थ्री आया, फोर नाइन थर्टीन, थर्टीन ट्वेल्व से छोटा तो नहीं होता, तो ये दोनों कंडीशन गलत हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू टू और थ्री है तो हमारे पास थर्ड केस फोर्थ सारा है, देन दिस केस नॉट सेटिस्फाइड, किसको सेटिस्फाइड नहीं करता सी पार्ट को, और अगर ऐसा है तो लैम्डा वन लैम्डा टू दोनों के दोनों
जीरो नहीं होंगे। ओके हम सेकंड केस बनाएंगे। सेकंड केस में हम किसी एक को तो जीरो ले लेते हैं, दूसरे को नॉट इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। मान लिया लेमडा वन जीरो, लेमडा टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए पार्ट से देखो वैल्यू क्या आएगी। ए पार्ट माइनस टू एक्स वन प्लस फोर, लेमडा वन को जीरो लिया तो माइनस टू लेमडा टू इक्वल टू जीरो। और सेकंड इक्वेशन क्या थी ए पार्ट की, माइनस टू एक्स वन प्लस सिक्स माइनस थ्री लेमडा टू इक्वल टू जीरो। ओके यहां से अगर हम x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4 माइनस टू लेमडा टू डिवाइड बाई टू। एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस थ्री लेमडा टू डिवाइड बाई टू। अब x1 और x2 लेमडा टू पे डिपेंड करते हैं तो लेमडा टू को हटाना पड़ेगा। x1 और x2 की वैल्यू को हम किस में पुट कर ले, लेमडा वन जीरो है लेकिन लेमडा टू जीरो नहीं है। सेकेंड पार्ट में देखो अगर लेमडा वन जीरो है तो ये नॉट इक्वल टू जीरो हो सकते हैं, लेकिन अगर लेमडा टू जीरो नहीं है तो ये कन्फर्म हो गया ना, ये जीरो होगा। यानी हम क्या लिखेंगे, एंड बी पार्ट इफ लेमडा टू इज नॉट इक्वल टू जीरो देन। अब सेकेंड पार्ट इसका क्या था, वो जीरो हो जाएगा, यानी टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू माइनस ट्वेल्व जीरो के इक्वल हो जाएगा। टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू माइनस ट्वेल्व इक्वल जीरो। एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू पुट कर लें तो टू एक्स वन, देखो टू एक्स वन फोर माइनस टू लेमडा टू प्लस थ्री एक्स टू, एक्स टू की जगह सिक्स माइनस थ्री लेमडा टू डिवाइड बाई टू माइनस ट्वेल्व इक्वल जीरो। तो लेमडा टू ये हमारे पास फोर, टू एलसीएम ले लें तो फोर टू जा एट माइनस या देखा टू टू जा फोर लेमडा टू प्लस में थ्री सिक्स जा एटीन माइनस थ्री नाइन थ्री जा नाइन लेमडा टू एंड माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल जीरो। माइनस नाइन माइनस फोर माइनस थ्री लेमडा टू, एटीन और एट ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर टू इज इक्वल टू जीरो। देन लेमडा टू हमारे पास क्या हो जाएगा, लेमडा टू इज इक्वल टू टू बाई थर्टीन। लेमडा टू कैलकुलेट हो गया तो हम एक्स वन एक्स टू कैलकुलेट कर सकते हैं। देन एक्स वन, अब एक्स वन क्या था हमारे पास, एक्स वन की वैल्यू फोर माइनस टू लेमडा टू, फोर माइनस टू लेमडा टू डिवाइड बाई टू। तो फोर माइनस टू लेमडा टू, टू लेमडा टू की वैल्यू हमारे पास क्या देखिए, फोर बाई थर्टीन डिवाइड बाई टू। थर्टीन फोर जा फिफ्टी टू माइनस फोर बाई ट्वेंटी सिक्स यानी फोर्टी एट बाई ट्वेंटी सिक्स मीन्स थर्टीन और ट्वेंटी फोर। इसी तरह से एक्स टू की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, सिक्स माइनस थ्री लेमडा टू बाई टू। सिक्स माइनस थ्री लेमडा टू, थ्री टू जा सिक्स बाई थर्टीन डिवाइड बाई टू। थर्टी सिक्स जा सेवेंटी एट माइनस सिक्स बाई ट्वेंटी सिक्स सेवेंटी टू बाई ट्वेंटी सिक्स मीन्स थर्टीन थर्टी सिक्स। एक्स वन एक्स टू आ गया। अब ये एक्स वन एक्स टू ट्रू है या फॉल्स है, इसके लिए हम सी पार्ट चेक करते हैं। सी पार्ट हमारे पास क्या था, एक्स वन प्लस एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू। यहां से देखो सी पार्ट, एक्स वन प्लस एक्स टू, सी पार्ट हमारे पास था एक्स वन प्लस एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू। एक्स वन की वैल्यू हमारे पास आई है ट्वेंटी फोर बाई थर्टीन, एक्स टू की वैल्यू आई है थर्टी सिक्स बाई थर्टीन। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सिक्सटी बाई थर्टीन। सिक्सटी बाई थर्टीन का मीन्स फोर पॉइंट समथिंग इज नॉट लेस देन टू। तो ये फोर्स आ रहा ना हमारे पास, सी पार्ट फोर्स आ गया। अगेन इफ लेमडा वन इज इक्वल टू जीरो एंड लेमडा टू इज नॉट इक्वल टू जीरो देन दिस केस नॉट सेटिस्फाइड। इसको सेटिस्फाइड नहीं करता सी पार्ट को। केस सेकंड, आर आल्सो रॉन्ग। ओके अब हम थर्ड केस बनाएंगे। थर्ड केस में हम क्या लेंगे, हमने फर्स्ट केस में लिया था दोनों इक्वल जीरो, सेकंड में लिया लेमडा वन तो जीरो है लेमडा टू नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम लेते हैं लेमडा वन तो नॉट इक्वल टू जीरो है लेमडा टू इक्वल जीरो। अब लेमडा वन नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए पार्ट देखो हमारे पास क्या था, अगर लेमडा वन इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो लेमडा टू जीरो है तो टू एक्स वन प्लस फोर माइनस लेमडा वन माइनस टू एक्स वन ए पार्ट माइनस टू एक्स वन प्लस फोर माइनस लेमडा वन इक्वल जीरो।
और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2x1 + 6, और लेमडा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -λ1 इक्वल 0। सेम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से x1 कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से x2, तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 - λ1/2, x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 - λ1/2। x1 और x2 की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, देखो किस में पुट करना है, हमने लेमडा 2 को 0 लिया है, लेमडा 1 को नॉट इक्वल टू 0, अगर लेमडा 2 0 है तो ये नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, अगर लेमडा 1 0 नहीं है तो कन्फर्मली ये 0 होगा ना, यहाँ से ये वाला पार्ट, तो x1 + x2 - 2, इफ लेमडा 1 नॉट इक्वल टू 0, देन जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट से हमारे पास ये सेकेंड पार्ट है ना, x1 + x2 - 2 इज इक्वल टू 0 होगा। x1 की वैल्यू 4 - λ1/2, x2 की वैल्यू 6 - λ1/2, -2, 2 को हम 4/2 लिख लेते हैं, 0। तो देखो 2 एलसीएम लिया, -λ1 - λ1, -2λ1, 4 और 6 10, 10 माइनस 4 6 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अगर लेमडा 1 3 है तो x1 और x2 फाइंड हो जाएंगे, अब x1 क्या होगा, देन x1 इज इक्वल टू लेमडा 1 की जगह 3 रखा तो 4 - 3 1/2, x2 लेमडा 1 की जगह 3 रखा 6 - 3 3/2। अब ये करेक्ट है या इनकोरेक्ट है तो इसके लिए हम सी पार्ट चेक करते हैं। सी पार्ट हमारे पास था x1 + x2 इज लेस देन इक्वल टू, तो देखो x1 हम ये चेक करेंगे, x1 की जगह 1/2 + x2 की जगह 3/2, 4/2 का मीन्स 2 इज लेस देन 2, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट क्या था हमारे पास, 2x1 + 3x2 इज लेस देन 12, सेकेंड पार्ट था हमारे पास 2x1 + 3x2 इज लेस देन इक्वल 12, ये भी चेक कर लेते हैं। 2x1 यानी हमारे पास 2x1 1 आ जाएगा, 3x2 3 3 9/2, ये हो सॉल्यूशन का आया, 2 और 9 11/2, 11/2 12 से स्मॉल है, ये भी ट्रू है, दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू आ रही है। इट मीन्स हमने ये जो केस लिया है लेमडा 1 नॉट इक्वल टू 0 एंड लेमडा 2 इक्वल 0, ये करेक्ट है, हैंस लेमडा 1 नॉट इक्वल टू 0 एंड लेमडा 2 इज इक्वल टू 0 इज अ करेक्ट आंसर। ओके, अब लेमडा 1 लेमडा 2 करेक्ट है तो x1 की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो गई, x2 की वैल्यू 3/2 हो गई और x3 हमारे पास 0 था। देन क्वेश्चन क्या था हमारे पास, मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू, देन मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू -x1² - x2² - x3² - +4x1 + 6x2, वैल्यू पुट करें तो -x1² - x2² - x3 0 4x1 2x1 1 तो 4x1 हमारे पास 2 हो जाएगा, 6x2 की वैल्यू 3, तो 6x2 की वैल्यू 6 × 3/2 यानी 9, तो ये सॉल्यूशन क्या हुआ हमारे पास, -1/4 - 9/4 10/4 + 2 को हम 8/4 लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ रहा है 6 3 18/2 36/4, सॉल्व किया तो -2 + 36 34/4 यानी 17/2। लेकिन एक और केस रह गया हमारे पास जिसे आपको करना जरूरी है, फोर्थ केस, लेमडा 1 लेमडा 2 इक्वल 0 ले लिया, दोनों में से कोई एक नॉट इक्वल ले लिया, अगर दोनों के दोनों नॉट इक्वल है तो क्या होगा। अब अगर लेमडा 1 भी 0 नहीं है, लेमडा 2 भी 0 नहीं है, तो जो सेकेंड पार्ट था बी पार्ट था x1 + x2 - 2 ये 0 होगा, लेमडा 1 भी 0 नहीं है, लेमडा 2 भी 0 नहीं है, तो ये दोनों 0 हो जाएगा ना, तो 2x1 + 3x2 - 12 ये 0 होगा। इसे अगर हम सॉल्व करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये हमारे पास हो गया 2x1 + 2x2 - 4 = 0, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो 3 - 2x2 - 8 = 0, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8। अगर x2 8 है तो 8 - 2 = 6, यानी x1 हमारे पास क्या आ गया, -6। अब अगर x1 x2 कैलकुलेट हो गया, लेमडा 1 लेमडा 2 0 नहीं है, तो लेमडा 1 और लेमडा 2 होंगे क्या, ये भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में ए पार्ट में हमने x1 और x2 की वैल्यू पुट कर दी, x1 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 2x1, ए पार्ट में अगर हम x1 और x2 की वैल्यू पुट करें तो -2x1
यानी प्लस का 12, प्लस माइनस नेक्स्ट था प्लस 4 माइनस लेमडा 1 माइनस 2 लेमडा 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा, लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा 2 इज इक्वल टू 12 और 4 16। सेकेंड पार्ट ए का क्या है हमारे पास, माइनस 2 एक्स 1 प्लस 6 माइनस 2 एक्स 1 सॉरी माइनस 2 एक्स 2 प्लस 6 एक्स 2 की वैल्यू 8 माइनस 2 एक्स 2 माइनस 16 प्लस 6 माइनस लेमडा 1 माइनस 3 लेमडा 2 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा 1 प्लस 3 लेमडा 2 इज इक्वल टू माइनस का 10। ओके सॉल्व किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो लेमडा 1 से लेमडा 1 कट गया 3 माइनस 2 लेमडा 2 माइनस 26। लेमडा 2 क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। लेमडा 1 और लेमडा 2 फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग होने के चाहिए थे, पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस केस नॉट सेटिस्फाइड, इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा फोर्थ को यानी डी पार्ट को, तो हमारा ये केस भी गलत हो गया ना। हैंस दिस केस आर ऑल्सो रॉन्ग या इनकोरेक्ट, अब सारे के सारे पार्ट इनकोरेक्ट है, थर्ड पार्ट थर्ड केस हमारा करेक्ट आएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू हैंस मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 17/2। यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू, वेयर एक्स वन की वैल्यू हमारे पास आई थी एक्स हाफ और एक्स टू की वैल्यू 3/2, एक्स वन हाफ एक्स टू 3/2 एंड एक्स थ्री 0। तो ये सॉल्यूशन हमारा करेक्ट होगा। ओके आगे समझ, कुन टोकर कंडीशन का क्वेश्चन था, ये लेंथी था थोड़ा सा लेकिन आसान है क्वेश्चन। हमें गिवन होगा एनएलपीपी को सॉल्व करना है, हमने लैग्रांज फंक्शन बना लिया, चार केस बनाने हैं, वो चार केस कुन टोकर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये चारों के चारों होंगे। एल का एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जितने वेरिएबल होंगे उनके लिए डेरिवेटिव 0, लेमडा 1 लेमडा 2 जो भी इक्वेशन होगी, कंस्टेंट इज इक्वल टू 0, कंस्टेंट जो गिवन है वो एज इट इज लिखनी है, जितने भी लेमडा होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ से हम चार केस बनाएंगे ही बनाएंगे, लेमडा 1 लेमडा 2 दोनों 0, दोनों नॉट इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0, इस तरह के चार केस बनेंगे। चारों केस में से कोई एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वही सॉल्यूशन गिवन एनएलपी का सॉल्यूशन होगा। क्लियर? फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।